हम लोग का ट्रांसफर मनमाने ढंग से कर रहे हैं, ट्रांसफर मनमाने ढंग से कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। सिविल सर्जन सर, सी एस सर, ट्रांसफर दो। हम लोग अच्छा से काम कर रहे हैं, बेगूसराय का रिकॉर्ड नंबर वन में है, और उसके बाद भी मनमानी जो पैसा ले लेके ट्रांसफर करेंगे, ये कौन मतलब हुआ? नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। इस समय मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ बेगूसराय सदर अस्पताल परिसर में हूं, और यहां देखिए बड़ी संख्या में एएनएम मौजूद हैं जो जुलूस निकाल कर चिलचिलाती धूप में यहां सीएस का घेराव करने पहुंची हैं। हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि क्यों आई हैं ये लोग, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हम लोग का ट्रांसफर मनमाने ढंग से कर रहे हैं, ट्रांसफर मनमाने ढंग से कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। सिविल सर्जन सर, सी एस सर, मनमानी है, 1,00,000 रुपया मांग है, पैसा लेते हैं, 1,00,000 रुपया लेते हैं, 1,00,000 लेते हैं, एसीपी का लाभ नहीं देता है, पेंशन लागू नहीं किया है अभी तक 2004 के बाद। अभी आप सब घेर रहे थे क्या कुछ आश्वासन? अभी बात नहीं हुआ, अभी कोर्ट के काम से बाहर जा रहे हैं, बोले इनकी कोर्ट में जाके एसीपी नहीं मिलता है, एमएसपी नहीं का लाभ नहीं मिलता है, सभी कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट पर ठीका पर बहाली करता है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, साले साल 3 साल में हो, 6 साल में हो, और बार बार ट्रांसफर के लेकर बदली करता है, ट्रांसफर करता है 1,00,000 रुपया लेकर। ट्रांसफर का उद्योग बना दिए, बार बार ट्रांसफर करना, ये दिक्कत तो सबके साथ है ना। मान लीजिए करे पैसा लेके ट्रांसफर किया जा रहा है, सही बात है, हो ही रहा है, सही बात है, हो ही रहा है, जरूरत ही क्या है? जब काम हम लोग सही ढंग से कर रहे हैं, काम सुचारू रूप से चल रहा है, तो फिर ट्रांसफर क्यों हो रहा है? ट्रांसफर नहीं चलेगा, अपना मनमानी, उनका अपने मनमानी से काम करवाते हैं, उसके बाद टाइम देखते हैं, 9 से 5 ड्यूटी लेते हैं, इसी के विरोध में हम लोग आए हुए हैं। आपके साथ जो आई हैं नर्स, वो कह रही हैं कि ट्रांसफर के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, ट्रांसफर के नाम पर लिए जाते हैं, उसके बाद एब्सेंट किया जाता है, उसके नाम पर पेमेंट रोक देते हैं, दरमाहा काट लेते हैं, उसमें फिर मतलब करने के बाद मतलब पैसा लेते हैं, फिर पेमेंट करते हैं, यही सब होता है। इसी के लिए अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? इसी के लिए आए हैं हम लोग। तो सीएस से मिले, क्या उन्होंने कहा? बोले हम आ रहे हैं कचहरी में, मतलब गवाही है, गवाही दे के हम लोग आ रहे हैं। अभी आएंगे, फिर अपनी बात रखिएगा, क्या? हाँ, इसी के लिए आए हुए। जो आरोप है आप लोग का, क्या है मेन आरोप? मेन आरोप है कि कभी 6 साल, पहले 9 साल में होता था, अब 6 साल में रहा है, कभी 3 साल में होगा, नहीं कुछ बोलेंगे ट्रांसफर। हाँ, ट्रांसफर और रुपया लिया जाता है ट्रांसफर के बारे में कि नहीं होगा तो रुपया, इसीलिए सब लोग बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, पैसा लिया जाता? हाँ, लिया जाता। कहाँ से धूप में जुलूस निकाले थे? जुलूस हम लोग कर्मचारी भवन से लेकर बैंक होते हुए, बहुत चिलचिलाती धूप में आप लोग जुलूस। हाँ, इसीलिए आक्रोश है हम लोग को, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोग अच्छा से काम कर रहे हैं, बेगूसराय का रिकॉर्ड नंबर वन में है, और उसके बाद भी मनमानी जो पैसा ले लेके ट्रांसफर करेंगे, ये कौन मतलब हुआ? हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक नियम होना चाहिए ना, सिर्फ मेरे बेगूसराय के लिए नहीं होगा ना, अगर पड़ोसी राज्य जिला में होता है ट्रांसफर, हाँ 2 साल पर 4 साल नियम है, नियम कुछ भी है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट में अगर ट्रांसफर होता है नियमानुसार तो बेगूसराय में भी हो, हम लोग हटने के लिए तैयार। 10% का कहना कि नियम के अनुसार नहीं हो रहा? हाँ, नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, नियम का उल्लंघन होता है, हो रहा है तो बेगूसराय में भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो अलग से कानून नहीं ना, इसके लिए अलग से बिहार सरकार नहीं ना, और इनकी एक और मनमानी क्या है, जो हम लोग नाइट ड्यूटी में 16-16 घंटा ड्यूटी करते हैं, कॉलम में लिखा हुआ रहता है पीएससी ड्यूटी, तब वो घेर के ये करते हैं। बात हुई सीएस से, अभी आप लोग घेरे हुए थे? हाँ, सीएस सर गए हैं कोर्ट में गवाही देने, लगता है कुछ बढ़िया होगा, वो आश्वासन तो दिए हैं कि हम आ रहे हैं तो अच्छा से बात करेंगे, आप देखिए उनका बोली का क्या वैल्यू रहता है।
क्षेत्रीय कर्मचारी का ट्रांसफर होता है और जो सदर में है जब ज्वाइन किया है उस दिन से रिटायर हो जाता है, ये लोग को ट्रांसफर नहीं होता। इसमें भी भेदभाव? हाँ बहु होता ही नया जब से उसी जगह 10% ही ट्रांसफर का रहता है, तो यहाँ जैसे मन होगा वैसे करते हैं। अगर नहीं करिएगा हम लोग सोमवार से धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। धरना हड़ताल करिए? हाँ कार्य बहिष्कार करेंगे। कार्य बहिष्कार? हाँ पीएससी में जाके हम लोग बैठेंगे। चिलचिलाती धूप में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए आप सभी जानते हैं बिहार चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा आज छोटी छोटी जो मांगे हैं वो मांग भी बिना संघर्ष कर किए हुए चिकित्सा प्रशासन बेगूसराय के द्वारा नहीं दिया जाता है। अगर किसी के एक दिन के वेतन 4:30 बजे चल गए भूल से, लेट हुआ गाड़ी घोड़ा से जाने में, 10-5 मिनट लेट हुआ तो हाजिरी कट गया, हाजिरी नहीं कटता है, अगले आदेश तक वेतन बंद, और वो वेतन को ऑर्डर कराने में 17 डिबिया तेल जलता है और उसका दोहन शोषण होता है अलग। आपको बता दें अगले साल जब ये आए उसके अगले साल भी थे। हम ट्रांसफर ये कहते हैं, मेरा कहना है जो कभी 9 साल कभी 6 साल कभी 3 साल जो मन होता है, सरकार का निर्देश है जितनी संख्या है उसका 10% ही ट्रांसफर किया जाए, लेकिन अगले बार भी 100 से ऊपर ट्रांसफर हुआ। बिचौलिया घूम रहा है, अभी बाजार गर्म है, चल रहा है बाजार गर्म है, ये स्थिति चल रहा है। और ट्रांसफर के नाम पर आज ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, ये सब महिलाएं मांग कर रही है। जब हम सब काम करते हैं बेगूसराय 1 नंबर 1 हर समय आगे रहता है राज्य में, तो फिर स्थानांतरण क्या जरूरत है? हाँ कीजिए स्थानांतरण, जो मजबूर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, सेवानिवृत्ति के सन निकट हैं, संघ महासंघ के उसका जो आवेदन देता है आवेदन उसके आलोक में आश्वासन में। हाँ आश्वासन क्या, अभी तो आए आप लोग घेराव कर रहे हैं। अभी हम लोग महिलाओं में आक्रोश है, आप देख लीजिए सैकड़ों महिलाएं हैं, आक्रोश है महिलाओं में, जो अगले साल मनमानी किए सब महिलाओं ने निर्णय लिया है अब मनमानी चलने नहीं देंगे, हम इंतजार करेंगे, सब महिला बहना हमारा इंतजार करेगी। और उनसे वार्ता आदि समुचित ढंग से वार्ता हुआ, इस पर सहमति बनी तो ठीक है, यदि सहमति नहीं बनी तो आज 17 तारीख है, कल रविवार है, 19 तारीख सोमवार से, 19 तारीख सोमवार से लोगों ने विचार कर लिया है, फिर हम लोग विचार करेंगे और विचार करके 19 तारीख से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का निर्णय लेंगे। मरीजों को दिक्कत होगी। हम नहीं चाहते हैं, देखिए कितना चिलचिलाती धूप है, हम सेवा करते हैं, कोरोना में सेवा किए, अपना बाल बच्चा बेटा पति पत्नी छोड़ के वहाँ सेवा किए, हम सेवा भाव से करते हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है जो हम मरीज की सेवा नहीं करें, टीकाकरण नहीं करें, फलाना काम नहीं करें, हम सब काम करने के लिए तैयार हैं। इनका क्या जाता है ट्रांसफ़र करना बंद कर दें, किसी जिला में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, हम DM से भी मिलेंगे, महासंघ भी, सिर्फ चिकित्सा संघ ही नहीं, जरूरत पड़ी तो बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा बेगूसराय द्वारा भी प्रदर्शन किया जाएगा। जब मजबूर करेंगे तो आंदोलन से कोई हमारी बहना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तमाम लोग अपने हक हकूक के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार। देखिए आंदोलन के सवाल पर जिस तरह से यहाँ ताली बजाकर स्वागत किया जा रहा है, ऐसे में लगता है अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 19 तारीख से ये सभी ANM कार्य बहिष्कार कर सकती हैं। जिस तरह से मोहन मुरारी जी बता रहे थे, इनके नेता हैं कर्मचारी संघ के, का जो आरोप है कि ट्रांसफर में मनमानी की जा रही है और इस मनमानी पर रोक लगाने के लिए आज चिलचिलाती धूप में ये तमाम महिलाएं जितनी हैं नर्स हैं प्रदर्शन करने आई हैं और अभी CS का यहाँ घेराव किया जा रहा था। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।